मेरे करण अर्जुन आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज की इस क्लास में मेरे साथ एक खास बंदे बैठे हैं जो किश्तवाड़ के छोटे राशिद जहांगीर और छोटे यानी उसे क्या कहते हैं छोटे गालिब छोटे गालिब के नाम से मशहूर है किश्तवाड़ में। तो अभी हम एक होटल पे आए हैं, कुछ हमें खिलाएंगे। तो अब देखते हैं हम राशिद जहांगीर हमें क्या खिलाते हैं। ठीक है, मैं तो अब राशिद जहांगीर ऑर्डर करेंगे। तो जब तक हमारा ऑर्डर पहुंचता है तब तक हम राजन चंद गुप्तगु करते हैं कि ये इतने दिन कहाँ गायब थे। हाँ जी भाई, बताइए, पूछिए आप मेरे से। नहीं, कहाँ ना फोन, मैंने लगभग इसको एक महीने से लगभग साढ़े नौ सौ नड़े फोन किए तो बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। बोलते हैं अगर काफी उठा भी लिए तो भाई इतने बिजी हूँ मैं, इतना बिजी तो हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं होता जितना ये होता है। बेशक मैं बिजी होता हूँ और ये झूठ बोल रहा है, इतने कॉल इसने नहीं किए हैं, दो या तीन कॉल किए हैं। कुछ तो क्या बोल कर इसमें क्या झूठ, जब किए फोन में दो तीन कॉल, ये क्या पता मेरे को पता, तुझे क्या पता तेरा मोबाइल क्या पर है, मेरा मोबाइल क्या पर है। मैं जम्मू में था, मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं वहीं लग रहा था। आप बताओ अपने बारे में क्या हाल है। हम तो मिलाकर ब्लॉग करते हैं, देख रहा था मैं आपके ब्लॉग यूट्यूब पे हमारा कि हम तो पहले क्रिकेट खेलते थे तो लोगों को हमारे क्रिकेट पसंद नहीं आया तो हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। देखिए शायरी शुरू की, उसके बाद शायरी शुरू की, शेयर तो शायरी भी लोगों को पसंद नहीं आई तो हमने अब ब्लॉगिंग शुरू की। देखते ब्लॉगिंग भी लोगों को पसंद आई, अगर आई तो ठीक, मैं आई तो बिना और कुछ काम करते मल्टी टैलेंटेड अभी हम अपने शेयर में नहीं कह सकते। देखिए दोस्तों के ऊपर ये शेर सुनाया गया, हम तो गद्दार इंसान है। देखो खुद बोला इसने मैं गद्दार हूँ, खुद बोला इसने मैं गद्दार हूँ। तो शेर झूठ बोलने वाला बंदा है, दोस्तों मैडम ने कॉल किए थे। तो आप ये शेर सुनाएगा कोई अच्छा सा बोलना होगा। आप जो बैठे हैं पहलू में तो संभल के रहते हैं क्या शेर सुना, आप जो बैठे हैं पहलू में तो समझ के बैठना, दिले बैठा आपको आदत है मैं चल जाती ना एकदम से आदत पड़े। तो अभी हम ऑर्डर को वेट करते हैं, फिर मिलते हैं हम कुछ देर के बाद। अभी हम खाना खाते हैं इसको भूख लगी है, सुबह खाता निकला है घर से, तो इसको हम कुछ खिलाते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। A few inches later में तो हमारे साथ उमर धारकर साहब जुड़ चुके हैं, जो हमारे दूसरे कैमरा में चांद नवाब है। कैमरा में चांद नवाब ये देखिए। Few moments later. हमारा मैंने इन सब इन दोनों का पेट पूजा करवा दिया, अब हम जाएंगे थोड़ा सा घूमने। यू आर रेडी? तो ये हमारे दो करण अर्जुन कभी बिछड़ेंगे ना। मेरा अर्जुन आएगा मेरा करण अर्जुन आएंगे। तो इसके तो आज नशे अलग है, इसको मैंने बहुत नाम रखे। पहले तो ये उमर जरगा नाम है, चलो माना। दूसरा इसका कैमरामैन चांद नवाब टू, पहला तो आपको पता दिखा दिया। और तीसरा इसका नाम है उमर इनला। इस वक्त हम किले पे आए हैं घूमने उमर भाई के साथ, और ये हमारे छोटे गालिब और राशिद जहांगीर। तो अब हम पहले हम ट्राइपॉड फिक्स करते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। तो देखिए ये हो नहीं सकता है कि अगर दो शायर साथ में बैठे हो तो फिर शायरी ना हो। तो हम दो तीन शेर सुनाएंगे, पहले राशिद भाई, फिर मैं एक शेर सुनाऊंगा। तो पहले हम राशिद भाई से सुनते हैं, तो राशिद भाई शुरू करें। अच्छा भाई, हम बहुत टाइम के बाद मिले, मैं और तासिर भाई, हम दोनों बचपन से साथ में पढ़े हैं। तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। जी हम इसीलिए फैज़ अहमद फैज़ की वो शेर है, मुझे आज के हालात के मुताबिक, मुझे हालात जैसे लगते हैं मुझे
यानी ये क्रोसी थी दिल में कि मैं ये सुनाऊं जिस देश से, सुनना अर्थ करना, सुनना तो जोड़ना, जिस देश से माऊं बहनों को, क्या जिस देश से माऊं बहनों को अग्यार उठा कर ले जाएं, हाय हाय, क्या जिस देश से माऊं बहनों को अग्यार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, क्या कहने, क्या आगे सुना चाहिए, जिस देश की कोर्ट कचेरी में, क्या जिस देश की कोर्ट कचेरी में इंसाफ टकों पर बिकता, हाय हाय, क्या क्या क्या, जिस देश की कोर्ट कचेरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता, वाह वाह क्या बात, क्या बात, क्या कह, मैं करूंगा एक शेर सुनाए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होगी, चप्पे पर जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, अभी का हाल है ना, बिल्कुल, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, क्या कहने, अभी का हाल है, दौरे हाजिर के हालात बयान कर रहे हैं, शेर नाम, शायर का नाम फैज अहमद फैज है, फैज अहमद फैज, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, क्या कहने, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश के हाकिम जालिम हूँ सिसकी न सुने मजबूर हूँ, वहाँ क्या बात, भाई शेर क्या है, जबरदस्त, बहुत खूब, जिस देश की गलियों कोचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, क्या कहने, क्या कहने, हकीकत है, हकीकत है, जिस देश की गलियों कोचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, अगर फहाशी का मतलब समझना है तो बता दूं वो बेहयाई होती है, फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली, क्या कहने, बिनते हवा, इस देश की ये शेर सुनना, इस देश इस शेर के अंदर मेरी यानी अपनी एक राय है, सुनना, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, क्या कहने, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब, वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब, भाई ने दिल चीर डाला, सूली पे चढ़ाना वाजिब है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, अर्ज क्या है, जी अर्ज क्या है, हाँ जी, मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, हाँ, अर्ज क्या है, मैं शायर तो नहीं, आगे भी तो बोल भाई साहब, कब से बोल रहा हूँ मैं शायर तो नहीं, तेरे नियम जोर दो, तो आज हम कहीं तो आज हम बहुत दिनों के बाद तीनों यार साथ में मिले हैं, एक को हम मिस कर रहे, फोन कर यार उसको, एक बंदे को मिस कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो हम पहले हम थोड़े से गुफ्तगू करते हैं राशिद भाई से, यूं तो हम गुफ्तगू करते हैं, बोलते हैं हमें यूं आवारा कहना, अरे यार इसको बोलो शायरी बंद करो यार, अब कोई दो मिनट मिले बैठे हैं तो यार भाई शेर तो हमारा व्लॉगिंग होगी, अब हम चलेंगे वापस, तो अब ये हमारे कैमरा मैन देखिए ट्राइपॉड लेके चल रहे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड, ये हमारे छोटे राशिद आएंगे तो हम चल रहे हैं वापस, मेरा छोटे राशिद जाएंगे, छोटे राशिद जाएंगे, माना कर यार, मुझे भी उधर ही आना है, ओ अल्लाह की से मैं राशि चढ़ के कल लड़ाई होगी, फिर लड़ाई होगी, बात सुन, चल फिर ऊपर ऊपर चल, ऊपर चल, तुझे राशि दे, 10 मिनट लगेंगे, मुझे भी उधर ही 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, ये बंदे चले, इनको कोई काम है तो बोले एक बार बाय बाय करे, भाई अल्लाह चलते हैं फिर, तो राशिद भाई चले गए, उसको कोई जरूरी काम था, और ये हमारे उमर भाई देखे कितने मायूस बैठे हुए हैं, तो आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, तो एक काम करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।